नाज़रीन, इंसान पर कभी खुशगवार हालात आते हैं तो कभी इंसान को परेशानियों का सामना होता है। मुसीबत और परेशानी के वक्त इंसान की निगाह अपने परवरदिगार के बाद असबाब व वसाइल की तरफ उठती ही है और ये एक फितरी बात है। उमूमन इंसान जब अचानक किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है तो वो और उसके मुतअल्लिक़ीन इलाज मुआलिजे के लिए परेशान होते हैं और ऐसे हालात में फौरी इलाज की फराहमी के लिए सबसे पहले एम्बुलेंस का सहारा तलाश किया जाता है ताकि जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, मुडेश्वर में भी मरकजी व खलीजी जमातों के बाहिमी इश्तराक से इस ज़रूरत की तकमील हुई और 6 सितंबर 2020 बाद नमाज असर एक एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया जिसके ज़रिए मरकजी जमातुल मुस्लिमीन मुडेश्वर के मातहत आवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की कोशिश की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में जिम्मेदारान मुडेश्वर ने एम्बुलेंस की ज़रूरत और कोविड-19 के ताल्लुक से अहम और ज़रूरी बातें हाजिरीन के सामने पेश की। नीज कोरोना वायरस की वजह से मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान जिन असहाब खैर ने राशन किट्स या मेडिसिन की फराहमी के सिलसिले में दामें दिरमें सुखने कदमें इमदाद व इआनत की थी और दीगर खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए मुतअद्दिद अफराद की शालपोशी कर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर एमबी न्यूज़ की खिदमात जो इसके जिम्मेदारों ने लॉकडाउन के दौरान मेडिसिन की फराहमी राशन की तकसीम व दीगर उमूर के ज़रिए अंजाम दी थी उसका एतराफ़ करते हुए चीफ एडिटर हिदायत मद्दाद साहब को भी एजाज से नवाजा गया। इस हिम्मत अफजाई पर एमबी न्यूज़ की पूरी टीम मरकजी जमातुल मुस्लिमीन मुडेश्वर की ममनून है। जिम्मेदारों की मेहनत कोशिशों और फिक्रों से एम्बुलेंस का इंतज़ाम तो हो गया है और अब इसकी हिफाजत की फिक्र करना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़।